Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंडू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बाहुबली मुख्तार अंसारी पर लगातार आपत विपत्तियां आती रही हैं और आए दिन उन पर ऐसे ऐसे शिकंजा कसा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी लगातार जेल में बंद व्याकुल दिखते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई मुख्तार अंसारी के करीबी पर की गई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अलग तरीके की चर्चा होने लगी है। दरअसल, उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों को लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि LDA खंगालने में जुटा हुआ है। LDA ने मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज अहमद के FI हॉस्पिटल यानी कि FI टावर पर बड़ी कार्रवाई की है। LDA की टीम ने रविवार को FI हॉस्पिटल को सील कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के पास बनाए गए 9 मंजिला FI टावर के बेसमेंट में जहां पार्किंग होनी थी, वहां पर बनाए गए दुकानों व दफ्तर को भी ध्वस्त कर दिया है। LDA FI टावर के 2 फ्लोर को अवैध घोषित कर दिया है और इनमें 7वां और 8वां फ्लोर शामिल है। LDA ने FI टावर के 24 फ्लैट्स में रहने वालों को दिए नोटिस। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने FI टावर में 24 फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को नोटिस दिया। अधिकारियों का कहना है कि जल्द 7वें व 8वें फ्लोर पर बने 24 फ्लैट और 9th फ्लोर पर बनाए गए 3 पेंट हाउस को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। लोग बोले, जब ये फ्लैट बन रहे थे तब कहाँ थी LDA? लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA की इस कार्रवाई से FI टावर में बने रहने वाले लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि जब फ्लैट बन रहे थे तब लखनऊ विकास प्राधिकरण कहाँ था? अगर यह फ्लैट अवैध थे, बिना नक्शा पास करवाए बने थे, तब LDA ने क्यों नहीं रोका? हमने तो अपनी कमाई देकर फ्लैट खरीदा है, बिल्डर ने पैसा कमाया है और बिल्डिंग बेच भाग गया है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ऐसे लोगों पर जो इस तरीके की चीजें करते हैं उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए, अधिकारियों को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति इस बिल्डिंग को खरीद लिया है उनका क्या होगा, उनका ठिकाना क्या होगा, और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई कहने गई सरकार को करनी चाहिए। और अगर सरकार नहीं कर पाती है तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा बेवकूफी भरा काम हो सकता है। बाकी इस पर अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद।